अदालती अफसरान के जरिए इलेक्शन ना कराने के खिलाफ केस की समाअत इलेक्शन कमीशन वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन से जवाब तलब कर लिया गया। अदालत जुडिशल अफसरान के जरिए इंतखाबात कराने का हुक्म दे। मजीद तफसीलात जानेंगे बोल न्यूज़ के नुमाइंदे अब्दुलरहमान से। जी अब्दुलरहमान जी बिल्कुल, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस अली बाकर नजमी ने अदालती अफसरान के जरिए इलेक्शन ना कराने के खिलाफ दायर दरखास्त पर इलेक्शन कमीशन और वफाकी हुकूमत और दीगर फरीकैन को नोटिस जारी करते हुए जवाब तलब कर लिया है। अदालत ने आइंदा समाअत पर अटॉर्नी जनरल और एडवोकेट जनरल पंजाब को भी अदालती मामले के लिए तलब कर लिया है। दरखास्तदार अमेर खान न्याजी के वकील बरिस्टर अबूजर सलमान खान न्याजी ने दलाल देते हुए बताया कि इलेक्शन कमीशन ने 8 फरवरी को आम इंतखाबात कराने का ऐलान कर रखा है और इस हवाले से रिटर्निंग अफसरान की फराहमी के लिए हुकूमत से इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता तौर पर रब्ता किया है, मगर इस हवाले से जुडिशरी से कोई रब्ता नहीं किया गया और जो ब्यूरोक्रेसी के जरिए सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।